वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखने हैं, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक के पेज नंबर 119 पर। चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है मंडी से घर तक। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? मंडी से घर तक। तो सबसे पहले चैप्टर का टाइटल समझते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सभी बच्चे मंडी ज़रूर गए होंगे अपने माँ बाप के साथ सब्ज़ी लाने के लिए। ज़्यादातर बच्चे तो जाते ही हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि मंडी में किस तरह से सब्ज़ियाँ किसान लेकर आते हैं और फिर मंडियों से उन सब्ज़ियों को हम अपने घर लेकर आते हैं। तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला टाइटल है रात में दिन। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है, तो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्ज़ी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी अपने पिताजी की यानी कि बाबूजी की सब्ज़ी बेचने में मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे से, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले 3 दिन की बची हुई सब्जियां बोरों और टोकरियों में से निकालते हैं। समझ में आया कि वैशाली ने क्या बताया है कि सब्ज़ी बेचने के काम में उनकी पूरी ही फैमिली बाबूजी की मदद करती है, और उसने बताया कि ये काम वो रात के 3 बजे से ही शुरू कर देते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो पुरानी बची हुई सब्जियां होती हैं बोरियों और टोकरियों में से उन्हें निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो हम मंडी से लानी होती हैं, कभी कभी छोटू भी इस काम में हमारी मदद करता है। समझ में आया कि कभी कभी छोटू भी इस काम में उनकी मदद करता है। फिर वैशाली आगे कहती है कि रात को जब हम काम को निपटाकर चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पू के हॉर्न की पोंपो सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पू में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। समझ में आया कि सुबह ही सुबह अंधेरे अंधेरे ये सभी लोग टेम्पू में बैठकर मंडी से जाकर सब्जी लेने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और किस समय और किस काम के लिए उठना पड़ता है? तो आप लिखोगे कि हाँ, मेरे पिताजी को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें फैक्ट्री या फिर काम पर जाना होता है। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर कॉपी में लिखोगे, वरना बाद में आपको परेशानी होगी, इसलिए कॉपी और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठेंगे। अब है अगला टाइटल दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। वैशाली क्या बताती है कि जब बाबूजी ट्रक में टेम्पो में बैठकर सब्जी लेने मंडी के लिए जाते हैं, मंडी जाते हैं बेचने के लिए सब्जी खरीदने, तो तब बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की जो सब्जियां होती हैं उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं ताकि वो ताज़ी रहें। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंचते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चीज़ें घर में चारों तरफ दिखाई देती हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और जो बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं उन्हें अलग रख लेते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके सब्जियों को बेचने के लिए। तो सभी लोग सब्जियों को जल्दी जल्दी छांटते हैं ताकि सब्ज़ी बेचने के लिए वो घर से जल्दी से निकल सकें। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्ज़ी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ।
मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो देखो बच्चों, वैशाली पढ़ने भी जाती है और अपने बाबूजी की सब्जी बेचने में मदद भी करती है। अगला टाइटल है बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वे थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुंच जाता है, क्योंकि छोटू दोपहर में स्कूल जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा आराम करने के बाद बाबूजी और भैया का नाश्ता लेकर उनके पास पहुंच जाता है बाज़ार में। फिर दोपहर में वो स्कूल जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वे बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं ताकि वो सब्जियां ख़राब ना हो जाएं, तो इसी वजह से बाबूजी पिछली सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आप लिखोगे, बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि पिछले दिन की सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? कहाँ देखी है? तो आप लिखोगे कि हाँ, मैंने सूखी गली सड़ी सब्जियां अपने घर में तथा सब्जी मंडी में देखी हैं। अगला है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी ख़राब हो गई है? तो सब्जियों को छूकर तथा सूंघकर पता लगाया जा सकता है कि सब्जियां ख़राब हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटू अपने परिवार की मदद करता है, आपके विचार से छोटू ने इससे क्या सीखा? तो छोटू ने खेती से संबंधित बातों को सीखा, यानी कि सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखना है कि छोटू ने व्यापार से संबंधित बातों को सीखा जब वो अपने पिताजी की मदद कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हो? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लास्ट के अंदर लिखा है कि मैं अपने परिवार की मदद निम्न तरीक़ों से करती हूँ। पानी की बोतलें भरकर, माँ के साथ मटर छिलवाने में, बाहर के सामान लाने में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप कैसे कैसे मदद करते हो आप लिख देना बच्चों। स्क्रीन शॉट लेकर क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखते जाना, अदरवाइज़ आपको बाद में परेशानी होगी। अब है बच्चों, जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरों में से ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं जिससे कि वो सूख ना जाएं, खासकर गर्मियों के मौसम में। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद फिर उन्हें सुबह दोबारा 3 बजे उठना होता है। तो हमारे परिवार का नया दिन होता है सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो बच्चों, नीचे कुछ घड़ियां दी गई हैं, यहाँ पर सुबह के 3 बज रहे हैं। तो इस समय वैशाली क्या करती है? सब्जियाँ निकालती है और मैं सो रही होती हूँ। अब सुबह के 6 बजे ठेले पर सब्जियां लगा रही होती है विशाली और मैं स्कूल का पाठ याद कर रही होती हूँ। अब रात के 10 बजे तो विशाली सो जाती है और तुम क्या करते हो? हम टीवी देखते हैं या आप अपनी पसंद से कुछ भी काम लिख सकते हो। आगे है, तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं और उन्हें कौन लाता है? तो मेरे घर में सब्जियां मंडी से आती हैं, मैं और माँ दोनों मिलकर जाते हैं। तो बच्चों, हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखते जाना, बाद में आपको दिक्कत आएगी वीडियो को आगे पीछे करके देखने में, इसलिए कॉपी पेंसिल को ज़रूर अपने साथ लेकर बैठना। अब है सब्जियों के साथ कुछ खेल। अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की हैं? तो नहीं, सभी भिंडियाँ एक नाप की नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। उनमें से सबसे लंबी सबसे छोटी भिंडी को छाटो और नाप कर लिखो। तो सबसे लंबी भिंडी 4 इंच की तथा सबसे छोटी भिंडी 1 इंच की है। अगला है, क्या उनके रंग एक से हैं? क्या वे एक जितनी मोटी हैं? दो भिंडियों को लंबाई में काटो, क्या उनमें एक जितने बीज हैं? कॉपी में उनके चित्र भी बनाओ। तो देखो बच्चों, हाँ, उन सभी के रंग एक जैसे हैं, पर सभी की मोटाई अलग अलग होती है। दो भिंडियों को काटने पर उनमें बीजों की संख्या भी अलग अलग थी।
बड़ी भिंडी में ज़्यादा बीज थे तथा छोटी भिंडी में कम बीज थे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना, हर बार याद दिला रही हूँ। अब बच्चों नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको रंग करने हैं, तो बिल्कुल इजी सी एक्टिविटी है, आप इसे खुद कर लेंगे। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 124। अब यहाँ पर देखो कुछ सब्जियाँ दी गई हैं और कुछ फल दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में वो फल और सब्ज़ियाँ लिखनी हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इस वाले बॉक्स में वो फल और सब्ज़ियाँ लिखने हैं जो कि थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती हैं। जैसे कि जल्दी ख़राब होने वाले फल कौन से हैं, केलू, केला, चीकू, अंगूर, नाशपाती, अनानास। ऐसे ही सब्जियां जो जल्दी ख़राब होती हैं जैसे कि टमाटर, पालक, धनिया, ककड़ी और साग। इसी तरीके से वो फल जो जल्दी ख़राब नहीं होते जैसे कि आम, अमरूद, संतरा, लीची, ये सभी ऐसे फल हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरीके से बच्चों ये वो सब्जियां हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती जैसे कि आलू, बैंगन, घिया, टिंडा, गाजर, अदरक, प्याज। में बच्चों यहाँ से लिखना भूल गई थी, आप प्याज भी लिख दोगे। अब नीचे आपको ऊपर वाली ये जो लिस्ट दी गई है इसमें से ही छाट कर वो सब्जियाँ लिखनी हैं, वो फल लिखने हैं जो कि चिकनी होती हैं और जो खुरदरी होती हैं। तो चिकने फल कौन कौन से होते हैं, केला, सेब और अंगूर। सब्जियाँ चिकनी कौन कौन सी होती हैं, पालक, लौकी और खीरा। इसी तरीके से फल खुरदरे कौन कौन से होते हैं, अनानास और चीकू। सब्जियाँ कौन कौन सी खुरदरी होती हैं जैसे कि अदरक, फूल गोभी, है ना, ये सभी कैसी हैं, खुरदरी सब्जियां हैं। अब आगे है किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो उठाने में तुम्हें बहुत भारी लगती है। तो बच्चों कद्दू बहुत बड़ा सा होता है जिसे सीताफल भी कहते हैं, मीठा घिया भी कहते हैं, तो ये उठाने में बड़ा भारी सा लगता है, तो इसका चित्र आप अपनी कॉपी में बना दोगे। अब तुमने जो फल और सब्जियाँ खाई हैं उनमें सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है, तो भिंडी सबसे हल्की सब्जी है जो मैंने खाई है, और फलों के अंदर अंगूर सबसे हल्का फल है, तो आप इसे यहाँ पर लिख देना आंसर को। तीन ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते जैसे कि पालक, गाजर और शलजम। इन सभी सब्जियों के बच्चों बीज नहीं होते हैं। आगे है तालिका दी गई है यहाँ पर, जैसे कि तीन सब्जियों के नाम हैं, आपको उनका रंग, लंबाई, उनकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा और उनकी कीमत बतानी है। जैसे कि सेब लाल और हरे दोनों रंग के होते हैं, लंबाई इनकी 5 सेंटीमीटर तक होती है। आधा किलो सेब कितने रुपए तक के आ सकते हैं, 130 रुपए किलो तक अगर इनका सीज़न ना हो तो। इसी तरीके से केला पीला होता है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक दर्जन 80 रुपए तक के आते हैं। आलू का रंग भूरा होता है, लंबाई इसकी कम से कम 5 सेंटीमीटर होती है, है ना, और आधा किलो आलू कितने के आते हैं, 20 रुपए तक के आते हैं। इसी तरीके से पत्ता गोभी का रंग हरा होता है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, 1 किलो 15 रुपए की आती है। फूल गोभी का रंग सफ़ेद होता है, लंबाई 10 सेंटीमीटर और 1 किलो 80 रुपए की आती है। टमाटर का रंग लाल होता है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तक होती है और 1 किलो फूल टमाटर 40 रुपए तक के आते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। आगे है आपके इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले के बारे में आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं, आपको उनसे ही पूछना है, रिपोर्ट बनानी है, तो उनका नाम क्या है। तो जो आपके इलाके में सब्ज़ी बेचते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हनीफ भाई है। उनके घर में कितने लोग, कितने बच्चे हैं, तो आंसर लिखोगे उनके घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे तथा उनकी पत्नी व हनीफ भाई। उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है, तो नाम और उम्र दोनों ही लिखने हैं, तो उनके बच्चों का नाम लड़के का नाम मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, लड़के का नाम है फिज़ा, लड़के का नाम है मारूफ, उम्र 9 साल और 13 साल है। सब्ज़ी बेचने में उनकी मदद कौन करता है हनीफ भाई की, तो सब्ज़ी बेचने में उनकी मदद पत्नी करती है क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और वो अभी छोटे हैं। अब अगला 5वां सवाल है कि ठेले रेड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठता है, तो उनके अलावा उनकी पत्नी भी बैठती है,
वो कौन सी सब्जी बेचते हैं? तो वे आलू, टमाटर, प्याज तथा मौसम के हिसाब से सारी सब्जियां बेचते हैं। वे कितने बजे काम शुरू कर देते हैं? तो वो सुबह यहाँ पर 6 बजे से काम शुरू कर देते हैं। आगे है वो दिन के लगभग कितने घंटे काम करते हैं? तो वो लगभग दिन के 15 घंटे काम करते हैं। अब जो वो सब्जियां बेचते हैं उनमें से कुछ सब्जियों के बारे में लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सब्जियां चूज़ की, आलू, प्याज और पत्ता गोभी। 1 किलो आलू है 20 रुपये का। कौन सी जगह से लाते हैं? सब्ज़ी मंडी से लाते हैं। एक बार में 100 किलो खरीदते हैं। और ये सब्ज़ी किन महीनों में ज़्यादा आती है? तो आलू पूरे साल आता है। इसी तरीके से प्याज की 1 किलो की कीमत 80 रुपये है, वो इसे सब्ज़ी मंडी से लाते हैं। एक साथ 100 किलो प्याज खरीदते हैं और प्याज भी पूरे साल आती है, यानी कि वर्ष भर मिलती है मंडी में। इसी तरीके से पत्ता गोभी की 1 किलो कीमत 20 रुपये है, सब्ज़ी मंडी से लाते हैं वो इसे भी, और एक साथ 100 किलो पत्ता गोभी खरीदते हैं और ये भी पूरे साल भर मिलती है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।